बिहार के सासाराम रोहतास के इलाके में बाढ़ से इस वक्त तबाही मची हुई है। कई ग्रामीण टीले पर फंसे हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम उन्हें रेस्क्यू कर रही है। दरअसल झारखंड की नदियों में जो बढ़े हुए जलस्तर है, इसका असर अब बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है। अचानक गांव के लोग अपने मवेशियों के साथ चारा के लिए एक टीले पर पहुंचे थे नदी को पार करके, और अचानक वो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। रोहतास से ये खबर है, रोहतास से ये जो वीडियो निकल के सामने, और वीडियो में देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके बोट से किनारे तक ला रही है। इसमें कई लोग, कई महिला पुरुष सभी शामिल हैं। 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की उम्मीदें हैं। ज्यादातर लोग झारखंड के बताए जा रहे हैं और बिहार के भी कई लोग हैं। देखिए अपने बकरियों के साथ जो लोग नाव से उतर रहे हैं, इनका कहना है कि अभी भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की जरूरत है। ऊपर टीले की बात की जा रही है कि जिस टीले पर ये लोग फंसे हुए हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों को ध्यान से देखिए, देखिए किस तरीके से इन सभी लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और इन लोगों में जो लोग शामिल है उनमें बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों के हिसाब से ही बताया जा रहा है कि इन सभी जगहों पर जो लोग हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए गए थे, लेकिन इसी बीच अचानक जो है वो नदी में पानी आ गया और इस वजह से सभी लोग यहाँ फंस गए। खबर होता से जहाँ चुटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 15 से अधिक जो पशुपालक हैं वो सोन नदी में जो है वो फंसे हुए हैं। सोन नदी के बीचों बीच जो ऊंचे टीला बना हुआ, उसी टीले में ये लोग फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड के गढ़वा जिले के केदार में लोहरदगंडा के पास जो के ज़्यादातर जो लोग हैं, लोहरदगंडा के वहाँ के लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिससे बिहार के रोहतास जिले के, चुटिया के और झारखंड के गढ़वा के कई जो लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है और सभी लोगों को रोहतास की तरफ से ही निकाला जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा था कि जो लोग हैं उनमें से कई लोग अभी फंसे हुए हैं। फिलहाल पहले एसडीआरएफ की जो टीम है वो जो छोटे जानवर हैं इनके साथ जो लोग हैं उनको वहां से निकाल रही है, और धीरे धीरे जब लोगों का रेस्क्यू हो जाएगा उसके बाद जो जानवर है उनका भी रेस्क्यू किया जाएगा। तो फिलहाल बाढ़ की तबाही, नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। सुनिए ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। गांव के बगल में एक सोन नदी के बीच में एक टीला है जिस पर गांव के अगल बगल के लोग खेती करने और पशुपालक लोग वहीं पर रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और एकाएक सोन नदी में बाढ़ आ जाने से वो फंस गए हैं। प्रशासन लगा हुआ है, कुछ लोगों को निकाल लिया और लोगों को निकाल देगा। ऊपर में जाइएगा ना, ऊपर में वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।